तो गाइस आप सभी का और एक बार स्वागत है मेरे शो में। जैसा कि इस शो में मैं आपको बताता हूँ कुछ मान लोगों की जीवन कहानी। पिछली वाले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि डेनी डेनलेस के ऊपर वीडियो बनाओ, उसकी स्टोरी बताओ। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने गूगल पर सर्च मारा और मुझे उसकी इतनी दुख भरी कहानी दिखाई दी कि मेरे शरीर के हर एक सेल से आंसू निकलना शुरू हो गया। तो ये दुख भरी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज हाथ में एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लेके बैठ जाओ और देखो इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत होता है यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पर डेनी डेनलेस का जन्म हुई थी एक बहुत ही अच्छे घराने में। बचपन में डेनी डेनलेस बहुत ही गरीब थी, पर धीरे धीरे बड़ी होने के साथ साथ उसका गोरापन सालापन में बदल गया, जिसके चलते उसे स्कूल में कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। वो बहुत ही दुखी होने लगे, घर वालों ने उसकी स्किन की इलाज करने लगे, पर बहुत सालों के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, वो काली की काली ही रही। पर एक दिन बरस के आंटी ने डेनी को मुँह में दही और मक्खन लगाने का सलाह दी और एक सीक्रेट टिप्स भी दी। उसके बाद डेनी रोज सुबह शाम मुँह में दही और मक्खन लगाने लगे और कुछ ही सालों में उसके निखर वापस आ गया। पता नहीं उसके दही में कौन सा रेसिपी था, वो तो सिर्फ वही जानती थी, पर जो भी हो वो तरकीब काम आया। अब वो बहुत ही खुश होने लगी और पढ़ाई में भी अभी वो ध्यान देने लगी। उसके दो बड़े बड़े सपने थे, एक तो वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और दूसरा वो पूरी दुनिया का सैर करके अलग अलग लोगों से मिलना चाहती थी और उनके हाथों का बना खाना चखना चाहती थी। डेनी को हमेशा से ही बड़ी बड़ी चीजों में ही इंटरेस्ट था, जैसे कि वो टेनिस बॉल से नहीं फुटबॉल से खेलती थी, काजू किशमिश नहीं गाजर मूला और केला खाती थी, पाटम में नहीं गड्ढे में सॉरी स्विमिंग पूल में नहाती थी। अभी उसकी खूबसूरती से स्कूल के सभी लड़के, दूसरे स्कूल के सभी लड़के, आस पड़ोस के सभी लड़के, सभी टीचर्स, यहाँ तक कि कैंटीन वाला भी उसके प्यार में पागल होने लगे, जिसके चलते उसको स्कूल में भी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होने लगी और उसके बाद वो पुलिस भी उसके प्यार में कुत्ता बन गया। इतनी खूबसूरत हो गई डेनी डेनियल्स। धीरे धीरे डेनी भी उस पुलिस वाले से प्यार करने लगी। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। और एक दिन जब वो दोनों क्लासरूम में सांप सीढ़ी खेल रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया और उसे ऑफिस में बुलाकर 2 घंटे तक पनिशमेंट दिया और अगले दिन उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दी। इस हादसे के बाद डेनी का दिल टूट गया, वो बहुत ही दुखी होने लगी। घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया और उस पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे जगह पर। डेनी को दूसरे स्कूल में मन नहीं लगता था, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर उसके एक नया दोस्त उससे बात करता था, उसको रोज पीने को हॉर्लिक्स देते थे। जी हाँ, वो थे जोडी द इनोसेंट बॉय। उस वक्त जोडी लोगों के घरों में जाके काम के बदले दूध लेते थे, तो इसलिए जोडी रोज उसे अपने हाथों से हॉर्लिक्स पिलाता था। जोडी का हॉर्लिक्स पी के डेनी का दिमाग इतना तेज हो गया कि उसे हर एग्जाम में 100 में से 100 मिलता था। देखते ही देखते वो क्लास की टॉपर बन गई। जोडी डेनी से प्यार करता था और डेनी भी जोडी से प्यार करने लगने लगी। उन दोनों का प्यार सर दीवार के अंदर ही सीमित था। जोडी डेनी को कभी हंसती थी तो कभी रुलाती थी, पर हमेशा उसे खुश रखती थी। कुछ महीनों बाद जोडी कॉलेज के हॉस्टल से भाग गया। क्यों भाग गया वो तो आपको पता ही है। डेनी को जोडी सोर के जाने के बाद वो खुट खुट के रोने लगी। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। डेनी के पिता को बिजनेस में लॉस हो गया और कुछ हफ्तों के बाद डेनी के माता पिता का एक प्लेन क्रैश में मौत हो गया। डेनी के सर पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वो अंदर से टूट गई। पर कुछ ही दिनों के अंदर ही वो खुद को संभाली और कॉलेज से पास आउट करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी, ताकि अपने बाप से लिया गया बैंक का लोन वो चुका सके। उस कंपनी के बॉस बहुत ही खरुश थे, जिसके कारण डेनी को ज्यादा काम करके उसे खुश करना पड़ता था। फिर भी उसके बॉस को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था और उससे और भी ज्यादा मेहनत करवाती थी। इतना ज्यादा मेहनत वो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने वो जॉब सर के दूसरे कई कंपनियों में इंटरव्यू दी, पर हर जगह उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिली। उसके बाद वो एक बार में काम करने लगी और शाम को एक बैंड में ड्रम बजाने का काम करने लगी। इसी तरह वो अपना गुजारा करती थी। एक साल बाद उसको एक अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। वह पर वो काम करने के साथ साथ वो अपने पुराने प्यार को भुलाने के लिए अलग अलग लड़कों के साथ डेट पे जाने लगी, पर किसी का भी डेनी को पसंद नहीं आया। डेनी के अस्पताल में एक कैंसर का मरीज था जो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था जोनी सिंस। पता नहीं डेनी को उसमें क्या देखा, डेनी को जोनी से सच्चा प्यार हो गया। वो उसका 24 घंटे ख्याल रखती थी। धीरे धीरे जोनी को भी जीने का एक होप दिखाई दी और बस कुछ ही महीनों के अंदर जोनी कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से लड़खड़ा हो गया। उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक तो दोनों खुश थे, पर अचानक से डेनी परेशान होने लगी। पैसों की प्रॉब्लम, बैंक का लोन उसको चुकाना था, इसलिए अब जोनी उसके जगह पर नर्स का नौकरी करने लगा। जोनी अस्पताल में दिन रात काम करता रहा और डेनी को MBBS पढ़ाया। जब डेनी डॉक्टर बन गई, उसने सारा बैंक का लोन एक ही साल के अंदर चुका दिया। ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। जोनी डेनी के साथ रहते रहते एक हफ्ते के अंदर सब कुछ डॉक्टरी सीख गया। बाद में पता चला जोनी का IQ आम लोगों से 1000 गुना तेज था, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख पाते थे। ये बात पता नहीं कैसे नासा वालों को पता चल गया और वो जोनी को उठा ले गया।
जोनी को स्टैंडर्ड बना के मंगल ग्रह पर भेज दिया ब्लैक होल ढूंढने के लिए। जोनी के भी स्वर्ग के जाने के बाद डैनी का दिल एक बार फिर से टूट गया, पर इस बार वो ठीक होने के बाद पूरा शक लंडिया बन गई जो कभी ना पिघल सके। अब वो मॉडलिंग करने लगी, फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। किस्मत से एक फिल्म में उसको लीड एक्ट्रेस की रोल मिल गई जिसमें हीरो था डैनी डी। फिल्म का नाम था चोली के पीछे क्या है। उस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, सबने उस फिल्म को एंजॉय किया, शायद आपने भी कभी देखे होंगे। उस फिल्म के लिए डैनी को 2018 में बिग बूटी अवार्ड और 2019 के जनवरी में पुसीकट अवार्ड मिला। अब वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी, करोड़ों लोग उसकी न्यू फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में उसने पूरी दुनिया का सैर करके अपने दोनों सपने पूरा किया। तो गाइस देखा किस तरह से एक छोटी सी लड़की ने अपने दोनों सपने को पूरा किया, उसकी जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें आई फिर भी उसने कभी हार नहीं माना। अभी अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो और तब तक मत रुकना जब तक वो पूरा ना हो। डर के आगे जीते। तो ये वीडियो यही खत्म होता है, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और पहली बार मेरा गोलू मोलू शक्ल देख रहे हो तो सब्सक्राइब मारो, मारो यार, पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सायनारा। Put the money in the bank.